नमस्कार, मैं हूँ प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 10 अगस्त दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार पुलिस के द्वारा आयोजित की गई राज्य स्तरीय फोटो प्रतियोगिता। राज्य में गंगा समेत कई नदियों का बढ़ा जलस्तर। बिहार के इन 6 शिक्षकों को मिलेगा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। सम्राट चौधरी ने प्रदेश उपाध्यक्ष समेत पदाधिकारियों की नई टीम का किया ऐलान। बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस चुनने के दौरान इन बातों को रखे विशेष ध्यान। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में 342 पदों पर भर्ती। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से जूनियर एग्जीक्यूटिव, जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पात्र एवं इच्छुक उम्मीदवार AAI की ऑफिशियल वेबसाइट www.aai.aero पर जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 4 सितंबर 2023 तक निर्धारित की गई है। इस भर्ती के जरिए कुल 342 रिक्त पदों को भरा जाएगा। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो विभिन्न पदों के लिए विभिन्न योग्यता निर्धारित की गई है। ऐसे में शैक्षणिक योग्यता से जुड़ी जानकारी के लिए अभ्यर्थी जारी किए गए नोटिफिकेशन को जरूर देख ले। बता दें कि जूनियर असिस्टेंट और सीनियर असिस्टेंट पद के लिए आयु सीमा अधिकतम 30 वर्ष तक रखी गई है, जबकि जूनियर एजुकेशन पद हेतु अधिकतम आयु सीमा 27 वर्ष तक रखी गई है। बिहार पुलिस के द्वारा आयोजित की गई राज्य स्तरीय फोटो प्रतियोगिता। बिहार पुलिस के द्वारा राज्य स्तरीय फोटो प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इसमें बिहार के पुलिसकर्मी सहित सभी नागरिक भाग ले सकते हैं। ऐसे में अगर आप भी इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप अपने जिले के अंतर्गत पुलिस द्वारा किए जा रहे सराहनीय कार्यों का 10 से 15 फोटो ले और फिर उसे गूगल ड्राइव, वन ड्राइव आदि ऑनलाइन स्टोरेज पर अपलोड करें। इसके बाद आप अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पेज के माध्यम से उक्त ड्राइव का लिंक अपने नाम, पता एवं फोटो के साथ बिहार पुलिस के ईमेल pmc.phq-bih@gov.in पर भेजे। सोशल मीडिया सेंटर बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा संचालित सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपके चयनित फोटोग्राफ शेयर किए जाएंगे। इसके बाद प्रतियोगिता के विजेता विजेताओं को संबंधित जिला के वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रशस्ति पत्र, उचित पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रतियोगिता की अवधि 10 अगस्त से 25 अगस्त 2023 तक है। वहीं मूल्यांकन की अवधि 26 से 31 अगस्त 2023 तक है और फिर विजेताओं की घोषणा 4 सितंबर 2023 को की जाएगी। वहीं प्रदर्शनी एवं पुरस्कार समारोह 8 सितंबर 2023 को आयोजित किया जाएगा। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे परवीन वारसी के बारे में। परवीन वारसी का जन्म आज ही के दिन 1956 को हुआ था। यह CBE 2015 तक S&A फूड्स के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी थे। उन्होंने अपनी रसोई से एथनिक फिंगर फूड बनाने का व्यवसाय शुरू किया। 1986 में सुपरमार्केट से खरीदे गए समोसे की गुणवत्ता से आश्चर्यचकित होने के बाद उन्होंने S&A फूड्स की स्थापना की और एस्टा और मॉरिसन स्टोर्स को ठंडे और जमे हुए व्यंजनों की आपूर्ति करने के लिए अपना पहला बड़ा अनुबंध जीता और ब्लाइंड टेस्टिंग के माध्यम से अनुबंध हासिल किया। जनवरी 2013 में परवीन वारसी को ब्रिटिश मुस्लिम अवार्ड से बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। वहीं 1996 को विश्व महिला उद्यमी पुरस्कार, 1997 को MBE नए साल की सम्मान सूची और 2002 में CBE रानी की जयंती सम्मान सूची दी गई। पैक्स में ऑनलाइन सदस्यता के लिए आम सूचना। पैक्स में ऑनलाइन सदस्यता हेतु विभागीय वेबसाइट state.bihar.gov.in/cooperative तथा http://epacs.bih.nic.in/mis/EPACS मेंबर पर जाकर योग्य व्यक्ति जो पैक्स के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत निवास करने वाले हैं वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं पैक्स के द्वारा आवेदन प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर सदस्यता आवेदन पर निर्णय लिया जाएगा और यदि आवेदन पैक्स द्वारा अस्वीकृत किया जाता है तो इसकी सूचना एवं ऑनलाइन अपील का विकल्प आवेदक के मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से प्राप्त कराया जाएगा। इसके अलावा अपील की स्थिति में आवेदक को निर्धारित तिथि को सभी कागजातों के साथ सहायक निबंधक सहयोग समितियां के कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना होगा, जिसके बाद सहायक निबंधक सहयोग समितियां का निर्णय आवेदक एवं पैक्स के लिए बाध्यकारी होगा। यदि पैक्स द्वारा 15 दिनों में आवेदन पर कोई निर्णय लिया जाता है तो आवेदक डीम्ड सदस्य मान लिए जाएंगे। स्थिति में आवेदक को सदस्यता शुल्क ₹1 और एक शेयर की राशि ₹10, कुल ₹11 पैक्स के पास अथवा संबंधित सहकारी बैंक की शाखा में जमा कर पावती प्राप्त करना होगा। बता दें कि पैक्स में सदस्य बनने से आवेदक विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाओं जैसे KCC, धान गेहूं अधिप्राप्ति के माध्यम से समर्थन मूल्य, सहायता, क्षतिपूर्ति आदि का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
पटना हावड़ा के बीच इस रफ्तार से दौड़ेगी वंदे भारत ट्रेन। बहुत जल्दी बिहार वासियों को दूसरी वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलने वाली है, जो कि पटना से हावड़ा तक चलेगी। बता दें कि इस ट्रेन का एक ट्रायल पूरा हो चुका है, तो वहीं अब बहुत जल्दी इसका दूसरा ट्रायल भी किया जाना है, जिसके बाद ट्रेन का किराया और उद्घाटन की तिथि तय की जाएगी। गौरतलब है कि इस ट्रेन की अधिकतम रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है, लेकिन जगह जगह पर बाधाओं की वजह से यह ट्रेन रूट पर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली, जबकि रांची रूट में ट्रेन की औसत रफ्तार मात्र 60 से 62 किलोमीटर घंटे तक रही। इस हिसाब से पटना रांची वंदे भारत ट्रेन के मुकाबले पटना हावड़ा वंदे भारत ज्यादा तेजी से चलेगी। इन सब के अलावा यह भी तय कर लिया गया है कि पटना हावड़ा वंदे भारत ट्रेन का प्राथमिक मेंटेनेंस राजेंद्र नगर कोचिंग कॉम्प्लेक्स में किया जाएगा। बता दें कि फिलहाल ट्रेन में कमिश्निंग का काम किया जा रहा है। बिहार के इन 6 शिक्षकों को मिलेगा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर देश के विभिन्न राज्यों से शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार देकर शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है। ऐसे में इस वर्ष दिए जाने वाले इस पुरस्कार के लिए शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बता दें कि इस पुरस्कार को लेकर इस वर्ष देश के विभिन्न राज्यों से कुल 152 शिक्षकों के नाम भेजे गए हैं। वहीं इन 152 शिक्षकों में से 6 शिक्षक बिहार के भी हैं, जिन्हें यह राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जा सकता है, लेकिन इन शिक्षकों को पुरस्कार दिए जाने का अंतिम फैसला राष्ट्रीय चयन कमेटी के द्वारा किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दी कि बिहार से जिन 6 शिक्षकों के नाम को इस पुरस्कार के लिए भेजा गया है, उनमें मध्य विद्यालय मधुबन बनगांव बाजार सीतामढ़ी के प्रधान शिक्षक दुविंद्र कुमार, आदर्श पालिका उच्च मध्य विद्यालय कैमूर के प्रधान शिक्षक अनिल कुमार सिंह, उच्च माध्यमिक विद्यालय मधेपुरा कटिहार के शिक्षक अर्जुन कुमार शाह, उच्च विद्यालय सिंधिया किशनगंज के शिक्षक कुमारी गुड्डी, UHS कलुआही मधुबनी के शिक्षक संगीता कुमारी और मध्य विद्यालय हरिहरपुर हाजीपुर के प्रधानाध्यापक उमेश कुमार यादव के नाम शामिल हैं। राज्य के सभी जिलों में होंगे अनाथ बच्चों के लिए छात्रावास। बहुत जल्दी राज्य के सभी जिलों में अनाथ गरीब और बाल श्रम मुक्त बच्चों के लिए आवासीय छात्रावास की स्थापना की जाएगी, जिसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास होगा। बता दें कि वर्तमान में भी राज्य के 7 जिले ऐसे हैं जहां 15 नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास का निर्माण हो चुका है और बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा उसका संचालन किया जा रहा। बता दें कि जिन 7 जिलों में आवासीय छात्रावास संचालित किए जा रहे हैं, उनमें बिहार की राजधानी पटना, बांका, औरंगाबाद, नवादा, गया, जमुई और मुजफ्फरपुर के नाम शामिल है। मालूम हो कि आवासीय छात्रावास में बच्चों के रहने और भोजन की निःशुल्क व्यवस्था होती है। बिहार के पर्यटन में आज हम बात करेंगे इब्राहिम बाया मकबरा के बारे में। पीर पहाड़ी पहाड़ियों के ऊपर स्थित इब्राहिम मलिक बाया का मकबरा लगभग 600 साल पहले बनाया गया था। इब्राहिम मलिक 1339 ईस्वी के आसपास भारत आया और दिल्ली सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधीन एक जनरल के रूप में कार्य किया और कई लड़ाइयां जीती। उनके कई सफल अभियानों के लिए उन्हें सुल्तान के दरबार से बाफिया की उपाधि से सम्मानित किया गया था। वह अपने आध्यात्मिक कार्यकाल के लिए भी जाने जाते थे। उनके समाधि के आसपास की प्राकृतिक सुंदरता एवं तरह तरह के पक्षियों की चहचहाहट वातावरण को मुक्त बनाते हैं। अच्छी सड़कें होने से आप सीधे अपने निजी वाहन द्वारा पहाड़ी की चोटी पर पहुंच सकते हैं। उर्स एवं ईद के मौके पर यहां काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है। संत के रूप में पूजनीय मलिक बाया की कब्र की सुनियोजित सादगी उनके परोपकार और अध्यात्म की गवाही के रूप में खड़ी है। राज्य में गंगा समेत कई नदियों का बढ़ा जलस्तर। बिहार के कई जिलों में बीते कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में बेतिया, मोतिहारी, अररिया समेत कई जिलों में नदियां उफान पर है। बता दें कि समस्तीपुर में गंगा उफान पर है, जिससे निचले इलाकों में प्रशासन अलर्ट हो गया है। वहीं मोतिहारी में लोग नदी का जलस्तर बढ़ने से गाँव से निकलकर सुरक्षित स्थान पर पहुंच रहे हैं। इसके अलावा मोतिहारी के लालबकिया नदी के जलस्तर में भी बढ़ोतरी हो गई है। बक्सर में गंगा नदी उफान पर है। बगहा में गंडक का पानी कई गाँव में घुस गया है, लोगों के अलर्ट जारी किया गया है। सबके अलावा मुंगेर में पिछले कुछ दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। वहीं अगर बिहार की राजधानी पटना की बात करें तो यहां कुछ दिन की हुई बारिश में सड़कों पर कई जगह पर जलजमाव हो गया है। इसके अलावा वाल्मीकि नगर बराज से छोड़े गए गंडक नदी में 2,90,000 क्यूसेक पानी के कारण गंडक नदी में बहाव देखा जा रहा है। बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस चुनने के दौरान इन बातों का रखें विशेष ध्यान। अगर आप भी अपने परिवार के लिए बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि आप कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए अपने परिवार के लिए बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस का चयन कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले यह तय करना होगा कि आप पॉलिसी सिर्फ अपने लिए ले रहे हैं या परिवार के लिए। ऐसे में इंडिविजुअल प्लान आप किसी मेडिकल हिस्ट्री को लेकर ले
तो अच्छा है। वहीं फैमिली फ्लोटर्स प्लान में एक से ज्यादा मेंबर्स को एक ही प्लान में कवर मिलता है, इन सब के लिए एक ही प्रीमियम देना होता है। इसके अलावा फैमिली के लिए प्लान लेते समय बेसिक प्लान, डे केयर कवर, एम्बुलेंस कवर, आउट पेशेंट कवर, क्रिटिकल इलनेस प्रोटेक्शन नहीं देते हैं। आपको हमेशा मेडिकल में कैशलेस सुविधा वाले प्लान लेने चाहिए। इन सबसे पहले आप यह देख लें कि कंपनी से आपके शहर के अच्छे हॉस्पिटल्स हैं या नहीं। ऐसे प्लान्स लें जिसमें हॉस्पिटल आपसे ज्यादा दूरी पर ना हो। इसके साथ ही इंश्योरेंस कंपनी का सेटलमेंट रेशियो भी जरूर देख लें। अंडा केयर में शराब तस्करी का हुआ खुलासा। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, यह तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन हमें शराब तस्करी से जुड़े मामले सुनने को मिलते रहते हैं। हालांकि इन पर नकेल कसने के लिए उत्पाद विभाग की ओर से जी तोड़ कोशिश की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी इन मामलों में कुछ कमी देखने को नहीं मिल रही, बल्कि तस्कर और भी नए नए तरीके से शराब तस्करी करते हुए पकड़े जाते हैं। बता दें कि ताजा मामला दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के छठी पोखर ब्रह्म स्थान का है, जहाँ दरभंगा पुलिस के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए अंडे के पिकअप वैन से 50 कार्टन शराब को जब्त किया गया है। वहीं स्थानीय लोगों से पूछताछ के आधार पर मिले सुराग से पुलिस के द्वारा इस धंधे से जुड़े धंधेबाज की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। सॉफ्टवेयर से रेलवे टिकट फ्रॉड, छपरा में कैफे संचालक गिरफ्तार। आरपीएफ इंस्पेक्टर मुकेश कुमार सिंह के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आरपीएफ के द्वारा छपरा में एक कैफे संचालक को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान रंजन कुमार के रूप में की गई है, जो कि पुष्पा झुकेगा नहीं शाला नाम के सॉफ्टवेयर से ट्रेन और फ्लाइट्स का अवैध ई टिकट को बुक करने का काम करता था और उसे महंगे दामों में बेचता था। बता दें कि इस कैफे संचालक की गिरफ्तारी तरैया थाना क्षेत्र के देवरी से किया गया है। मालूम हो कि अब तक इसके द्वारा 50 लाख रुपए के टिकट को बुक किए जा चुके हैं। गिरफ्तार साइबर कैफे संचालक के पास से कंप्यूटर, लैपटॉप, 54,000 रुपए के टिकट और 14,000 रुपए कैश बरामद किए गए हैं। फिलहाल आरपीएफ के द्वारा साइबर कैफे संचालक पर केस दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है। बता दें कि आरोपी पहले भी कई तरह के प्रतिबंध सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर चुका है। किशनगंज, अररिया, मधुबनी और सीतामढ़ी जिलों में बारिश के आसार। बिहार में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। बदलते हालात के बीच में प्रदेश के ज्यादातर जिलों में बारिश दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार 10 अगस्त को किशनगंज, अररिया, मधुबनी और सीतामढ़ी जिलों में एक से दो स्थानों पर भारी बारिश की आशंका जताई गई है। इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो वह 11 अगस्त को लेकर जारी अपडेट में यह बताया गया है कि पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी एवं किशनगंज जिलों के एक या दो स्थानों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार प्रदेश के ज्यादातर जिलों में 13 अगस्त तक बारिश की संभावना जताई गई है। ऐसे में विभाग ने अब लोगों को सावधान और सतर्क रहने को कहा है। अभिलेखागार के व्यवस्थित संचालन की समीक्षा करेंगे मुख्य सचिव। आगामी 18 अगस्त से मुख्य सचिव आमिर सुभानी प्रत्येक सप्ताह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के सरकारी कार्यालयों से जुड़ी पुरानी फाइलों के संरक्षण एवं अभिलेखागार के व्यवस्थित संचालन कार्य की समीक्षा करने का काम करेंगे। बता दें कि यह काम दिसंबर 2023 तक होगा। मालूम हो कि इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष और जिलाधिकारी को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिसके अनुसार पुराने फाइलों की अहमियत न्यायालय में केस दाखिल करने के बाद पता चलती है। इसके लिए सभी फाइलों को संरक्षित रखने के लिए सभी विभागों को निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही अभिलेखागार के सुव्यवस्थित संचालन तथा कार्यालय परिसर में साफ सफाई रखने का निर्देश भी दिया गया है। कृषि मंत्रालय की फर्जी वेबसाइट बना साइबर ठगी करने वाले 8 ठग गिरफ्तार। साइबर थाना प्रभारी डीएसपी ज्योति शंकर के नेतृत्व में एसआईटी गठित कर बिहार की राजधानी पटना के गर्दनीबाग थाना क्षेत्र के न्यू अलकापुरी स्थित किराए के एक फ्लैट में छापेमारी कर शिकायत के आधार पर कृषि मंत्रालय की फर्जी वेबसाइट बना साइबर ठगी करने वाले 8 ठग को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि इन साइबर ठगों के पास से पुलिस को 7,25,000 रुपए कैश, 24 मोबाइल, 3 लैपटॉप और 62 सिम कार्ड, फिंगर क्लोन मशीन, रबर जैसे मटेरियल पर बनाया गया 713 फिंगरप्रिंट, 3 फिंगरप्रिंट डिवाइस, 11 एटीएम कार्ड, 10 फेनो पेमेंट बैंक किट, 1 पेन ड्राइव, 3 प्रिंटर, 2 इंटरनेट राउटर, 26 नोटबुक एवं 2 मोटरसाइकिल के अलावे कई दस्तावेज बरामद हुए हैं। मिली जानकारी के अनुसार इन साइबर ठग के द्वारा 26 लोगों से ठगी किया जा चुका है। ये ईकेवाईसी कराने के नाम पर फिंगरप्रिंट का क्लोन तैयार कर बैंक अकाउंट से सेंधमारी करते थे। बिहारी बॉय ने जीता रूबरू मिस्टर इंडिया 2023 का खिताब। बिहार के युवा किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, यह तो कई बार देखा जा चुका है। इसी कड़ी में भारत की सबसे बड़ी कहे जाने वाली रूबरू मिस्टर इंडिया 2023 का खिताब इस बार एक बिहारी बॉय ने जीत लिया है, जिनका नाम आर्यमन राज है और वह बिहार की राजधानी पटना के रहने वाले हैं।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस कार्यक्रम का आयोजन गोवा के बोगमेलो बीच रिजॉर्ट में किया गया था, जिसमें आर्यमन राज ने अपने नाम रूबरू मिस्टर इंडिया 2023 ईस्ट का खिताब किया है। मालूम हो कि रूबरू मिस्टर इंडिया का 19वां सीजन था, जिसमें देश भर के कुल 40 प्रतिभागियों को फाइनल राउंड में जाने का मौका मिला था। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गोवा के सीएम प्रमोद सावंत पहुंचे थे। वहीं अपनी इस उपलब्धि पर आर्यमन राज कहते हैं कि वह अब रूबरू मिस्टर वर्ल्ड प्रतियोगिता की तैयारी में लग जाएंगे। बता दें कि आर्यमन राज ने इससे पहले आई ग्लैम की ओर से आयोजित मिस्टर एंड मिस बिहार ब्यूटी एंड मेल पेजेंट 2022-23 फैशन प्रतियोगिता में मिस्टर बिहार का ताज जीता था। बिबोस के जून सत्र के लिए 16 से 31 तक नामांकन। वैसे छात्र जो बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड के द्वारा लिए जाने वाले परीक्षा सत्र जून 2023 10वीं और 12वीं के लिए रजिस्ट्रेशन व नामांकन करने से वंचित रह गए थे, उनके लिए खुशखबरी है। बता दें कि ऐसे छात्रों के लिए बिबोस की ओर से एक और मौका दिया गया है, जिसके तहत अब ये छात्र विशेष परिस्थिति में 16 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक 10वीं और 12वीं के लिए रजिस्ट्रेशन व नामांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि नामांकन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही लिया जाएगा। इस अवधि में रजिस्टर्ड व नामांकित छात्र की परीक्षा अक्टूबर में आयोजित की जाएगी। बता दें कि इस बात की जानकारी बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड के सचिव मुकेश रंजन के द्वारा दी गई है। सम्राट चौधरी ने प्रदेश उपाध्यक्ष समेत पदाधिकारियों की नई टीम का किया ऐलान। बीते दिन बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के द्वारा प्रदेश पदाधिकारियों की घोषणा कर दी गई, जिसमें 12 प्रदेश उपाध्यक्ष तो वही 5 महामंत्री और 12 प्रदेश मंत्री बनाए गए हैं। बता दें कि सम्राट चौधरी के द्वारा लिस्ट जारी करते हुए ट्वीट कर कहा गया है कि बिहार प्रदेश भाजपा के नवनियुक्त समस्त पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति एवं मजबूत संकल्प से संगठन के निर्माण में एक नए आयाम स्थापित करेंगे। मालूम हो कि जिन 12 लोगों को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है, उनमें सिद्धार्थ शंभू, भीम सिंह चंद्रवंशी, राजेंद्र सिंह, धीरेन्द्र सिंह, शीला प्रजापति, अमृता भूषण, राजभूषण निषाद, ललिता कुशवाहा, सरोज रंजन पटेल, नूतन सिंह, संजय खंडेलिया और संतोष पाठक के नाम शामिल है। वहीं जिन 12 लोगों को प्रदेश मंत्री बनाया गया है, उनमें नंदलाल चौहान, प्रियंबदा केसरी, सरोज झा, संतोष रंजन, गुरु प्रकाश पासवान, रत्नेश कुमार कुशवाहा, त्रिविक्रम सिंह, संजय गुप्ता, रीता शर्मा, स्वदेश यादव, अनिल ठाकुर, अमित दांगी के नाम शामिल है। इसके अलावा अरविंद शर्मा को मुख्यालय प्रभारी, सिलिप मिश्रा और जितेंद्र कुशवाहा को सह प्रभारी, राकेश तिवारी को कोषाध्यक्ष, आशुतोष शंकर सिंह और नितिन अभिषेक को सह कोषाध्यक्ष, प्रवीण चंद्र राय को कार्यालय मंत्री, डॉक्टर सुग्रीव और ज्ञान प्रकाश ओझा को सह कार्यालय मंत्री बनाया गया है। सदन में अविश्वास पत्र पर ललन सिंह ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। बीते दिन संसद में अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में बोलते हुए जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के द्वारा केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला गया। उन्होंने कहा कि मुझे आश्चर्य तब होता है जब मणिपुर की बात होती है, वहां डबल इंजन की सरकार है। उन्होंने कहा कि मणिपुर की घटना को इतने हल्के में नहीं लिया जा सकता। आज मणिपुर में घटना हुई है, कल मिजोरम में होगी और परसों नागालैंड में होगी। इस एक घटना से पूरा पूर्वोत्तर का सीमा प्रभावित है। इसके बावजूद इसे कोई गंभीरता से नहीं ले रहा और सत्ता पक्ष से कोई इस पर बात करने को तैयार नहीं है। भाजपा के नेताओं को यह मालूम ही नहीं है कि मणिपुर में क्या हुआ है। मैं वहां गया था और जब देखा उसके अनुसार दो समुदाय के बीच कितनी दूरी बढ़ गई है कि उसको कम करना बहुत मुश्किल है। इस बीच उन्होंने भाजपा के नेता ठोके लगे तो उन्होंने कहा कि चुप रहिए, बीच में मत बोलिए, अभी आपको ही बताएंगे। इसके साथ ही उन्होंने अग्निवीर भर्ती, कालाधन समेत कई मुद्दों पर अपना बयान दिया। महागठबंधन सरकार के एक साल पूरे होने पर विपक्ष का बयान। बिहार में महागठबंधन सरकार का एक वर्ष पूरा हो चुका है। ऐसे में एक तरफ जहां सत्ता पक्ष अपनी उपलब्धि को गिनाने का काम कर रहे, तो वहीं विपक्ष की ओर से लगातार सरकार की नाकामियों को उजागर किया जा रहा। इसी कड़ी में बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के द्वारा तंज कसते हुए कहा गया है कि विश्वासघाती सरकार के एक वर्ष के कार्यकाल में सरकार नाम की कोई चीज नहीं बची है। सरकार का इकबाल पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, विकास की गाड़ी पटरी से उतर चुकी है, मजदूर बेहाल और छात्र उदास। इसके अलावा बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और हम अध्यक्ष संतोष सुमन के द्वारा कहा गया कि सरकार की एक वर्ष में यही उपलब्धि है कि प्रदेश में पुल टूट रहे हैं, दिन दहाड़े लोगों को गोली मार दी जा रही है, मुख्यमंत्री जी अपनी बताएं भूल जा रहे हैं। एक वर्ष की सरकार में लगातार राजद और जेडीयू के बीच में अंदरूनी कलह होता रहा है। एक वर्ष में ब्यूरोक्रेसी का बोलबाला है और मंत्रियों पर हावी रहे हैं। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा कहा गया कि जहां आरजेडी होगी वहां लॉ एंड ऑर्डर नहीं हो सकता। साल भर से आरजेडी और जेडीयू
जेडीयू मिलकर सरकार चला रहे हैं, साल भर में आरजेडी वाले नहीं बदल पाए हैं, नीतीश कुमार राजद के सामने घुटने टेक दिए हैं। सरकार बनने से पहले आरजेडी के राजकुमार लोगों को झांसा देते थे कि सरकार में आते ही पहली कैबिनेट से 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। साल भर में तो कितनी कैबिनेट की बैठक हो गई, लेकिन नौकरी नहीं मिल पाई। कहां गया वह वादा, सब हवा हवाई अब साबित हो चुका है। राहुल गांधी के सदन वापसी पर लालू यादव का बयान। बीते दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी 5 महीने के बाद सदन में पहुंचे और अपनी बातों को रखा। ऐसे में उनके सदन वापसी को लेकर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के द्वारा बयान दिया गया है। उन्होंने कहा कि न्याय की जीत होती है। मालूम हुआ कि बीते दिन राहुल गांधी के द्वारा संसद में अपनी बातों को रखते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला गया। बीते दिन सदन में उनकी स्पीच की शुरुआत अविश्वास पत्र पर दूसरे दिन की बहस में स्पीच के साथ हुई। इस दौरान उन्होंने लगभग 35 मिनट का भाषण दिया, जिसमें उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा और मणिपुर को लेकर भी अपनी बातें कही। उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर नहीं गए, उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान में नहीं है। आईसीसी ने जारी की वनडे खिलाड़ियों की रैंकिंग। आईसीसी ने बुधवार को वनडे प्लेयर्स की ताजा रैंकिंग जारी कर दी है। जारी रैंकिंग के आधार पर भारतीय खिलाड़ियों को फायदा हुआ है। बता दें कि भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल टॉप 5 बल्लेबाजों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि शुभमन गिल को 2 अंक का फायदा हुआ है। इनकी वर्तमान रेटिंग 743 है, ऐसे में अब वे 5वें स्थान पर पहुंच गए हैं। वहीं ईशान किशन की ताजा रेटिंग 589 है, यह उनके करियर का सबसे बेस्ट अंक है। ईशान ने 9 अंकों का छलांग लगाया है और वे वर्तमान में 36वें स्थान पर है। हार्दिक पांड्या को भी 10 अंकों का फायदा हुआ है, हार्दिक 71 नंबर पर पहुंचे हैं। बता दें कि वनडे में टॉप गेंदबाज में पहले स्थान पर 886 रेटिंग के साथ बाबर आजम है। वहीं नंबर 9 पर विराट कोहली हैं, जिन्हें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। 11 नंबर पर भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा है। वहीं अगर हम गेंदबाजी की बात करें तो नंबर 1 पर 705 रेटिंग के साथ जोस हेजलवुड है। नंबर 4 पर है भारतीय टीम के तेज गेंदबाज 670 रेटिंग पॉइंट के साथ मोहम्मद सिराज। वहीं नंबर 10 पर कुलदीप यादव, इन्हें 4 अंकों का फायदा हुआ है। इसके बाद शार्दुल ठाकुर 4 अंकों के फायदे के साथ नंबर 30 पर कायम है। आईसीसी ने वनडे ऑलराउंडरों की भी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें भारत के किसी खिलाड़ी का नाम नहीं है। भारत के इतिहास में आज की तारीख है कई कारणों से दर्ज। तमिल विद्रोहियों पर फौजी कार्रवाई में 2006 को श्रीलंका में 50 नागरिक मारे गए। अमरनाथ जमीन सुलझाने के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल की बैठक में उच्च न्यायालय के वर्ष 2005 के आदेश को लागू करने पर 2008 में सहमति बनी। चेन्नई के एक लैब में एंटी एड्स वैक्सीन का सफल परीक्षण किया गया। भारत ने 2010 में उपग्रह स्थिति तंत्र आधारित विमान प्रचालन तंत्र गगन का सफल परीक्षण किया। के चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी का जन्म 1894 को हुआ। भारतीय सिनेमा के अभिनेता प्रेम अदीब का जन्म 1916 को हुआ था। चंबल के से सियासी गलियारों तक पहुंचने वाली फूलन देवी का जन्म 1963 में हुआ। झंडा गीत विजयी विश्व तिरंगा हमारा के रचयिता श्यामलाल गुप्त पार्षद का निधन 1977 को हुआ था। भारत की पहली महिला संगीतकार सरस्वती देवी का निधन 1980 को हुआ था। प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई का निधन 1995 को हुआ था। भारतीय संस्कृत विद्वान पद्म भूषण आचार्य बलदेव उपाध्याय का निधन 1999 को हुआ था। वेलकम, आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री पर बैन लगाने के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री पर बैन लगाने के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि यहां सच देखो नामक यूट्यूब चैनल के एक वीडियो में दावा किया जा रहा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बैन लगा दिया है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह वीडियो फर्जी है, मुख्य न्यायाधीश द्वारा ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल के दौरान कर सकेंगे स्क्रीन शेयरिंग। पॉपुलर मैसेंजर व्हाट्सएप के यूजर्स के लिए अच्छी खबर है। आप अब इस पर वीडियो कॉल के दौरान स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप ने यह नया फीचर स्क्रीन शेयरिंग फीचर पेश किया है। कंपनी का कहना है कि इस फीचर से वीडियो कॉलिंग की एक्सपीरियंस बेहद खास हो जाती है। खबर के मुताबिक यह माइक्रोसॉफ्ट मीट, गूगल मीट और जूम के साथ साथ एप्पल के फेस टाइम सहित पारंपरिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप को टक्कर दे रहा है। यह नया फीचर वीडियो कॉल पर उपलब्ध कॉन्टैक्ट्स के साथ अपने डॉक्यूमेंट्स, फोटो और यहां तक कि अपने शॉपिंग कार्ट को शेयर करने की परमिशन देता है। व्हाट्सएप की पैरेंट कंपनी मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग का कहना है कि व्हाट्सएप पर स्क्रीन शेयरिंग को शेयर आइकन पर टैप या क्लिक करके एक्सेस किया जा सकता है। खबर के मुताबिक स्क्रीन शेयरिंग फीचर को फेस वॉइस, एंड्रॉइड, iOS और विंडोज डेस्कटॉप पर रोल आउट करना शुरू कर दिया गया है। यानी अभी तुरंत आपको यह सुविधा न दिखे तो परेशान न हो, जल्द ही दिखने लगेगी। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उससे जुड़े जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया, कृपया करके ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा में
132वें डूरंड कप का उद्घाटन किया है। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी चेन्नई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए असम। अगला सवाल, हाल ही में केंद्र सरकार ने डिजिटल उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध को कितने दिनों तक टाल दिया है? ऑप्शन ए 31 सितंबर, ऑप्शन बी 31 अक्टूबर, ऑप्शन सी 31 नवंबर, ऑप्शन डी 31 दिसंबर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 31 अक्टूबर। अगला सवाल, हाल ही में यूक्रेन शांति वार्ता का आयोजन कहां पर किया गया है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी सऊदी अरब, ऑप्शन डी यूक्रेन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सऊदी अरब। अगला सवाल, बिहार के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर है? ऑप्शन ए 66%, ऑप्शन बी 76%, ऑप्शन सी 84%, ऑप्शन डी 86%। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 76%। अगला सवाल, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नालंदा, ऑप्शन बी मुंगेर, ऑप्शन सी भागलपुर, ऑप्शन डी पटना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भागलपुर। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है कस्तूरी कुमारी, रंजीत मिश्रा, फातिमा खातून, सद्देंदु पटेल, ए एस दिनेश, राजकिशोर महतो, सरोज कुमार भारती, चंद्रभूषण सहाय, मोहम्मद फहीम, मृत्युंजय कुमार, कमलेश शर्मा, विकास दास, सिफोन कुमार, राजीव कुमार, शिवजी कुमार, अतीक खान। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार बिहार में हुए जातीय गणना की तरह पूरे देश में भी जातीय गणना करवाया जाना चाहिए या नहीं? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे तो पेज को फॉलो करना न भूले। धन्यवाद।